नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। 1983 के बाद भारत को दूसरा वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी युवराज सिंह ने। उन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40 टेस्ट और 304 वनडे खेलने वाले युवराज ने आखिरकार संन्यास का ऐलान कर दिया। आइए जानते हैं उस पारी के बारे में जिसमें उन्होंने खून की उल्टियाँ होते हुए भी मैच खेला था। दरअसल ये वर्ल्ड कप 2011 में वेस्टइंडीज के साथ हुए एक मैच में उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही थी, बावजूद इसके वे मैदान में बने रहे और 113 रन की शानदार पारी खेली। जब यूवी मैदान पर आए थे तब टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। युवराज ने इस मैच में शतक लगाने के साथ साथ 3 विकेट भी अपने नाम किए। युवराज सिंह को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। युवराज सिंह की महानता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अपनी तकलीफ को दरकिनार करते हुए उन्होंने टीम का साथ दिया और भारत को जीत दिलाई। आज युवराज ने क्रिकेट को अलविदा जरूर कह दिया, लेकिन क्रिकेट उन्हें कभी नहीं भुला सकता। युवराज सिंह ने ऐसे समय में संन्यास से ऐलान की घोषणा की जब भारत विश्व कप के मैच खेल रहा है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। युवराज इस बार विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2011 में वर्ल्ड कप के दौरे में वे एक प्रमुख खिलाड़ी थे। वर्ल्ड कप 2011 के टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने 362 रनों के साथ साथ 15 विकेट भी अपने नाम किए थे। युवराज सिंह को लाजवाब प्रदर्शन के लिए विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो गाइज, आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।